साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है। इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है, उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। हम 15 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं। कोयला प्रधान देश होते हुए भी हम 4 लाख करोड़ का कोयला हर साल इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन, इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। साथियों, आज हम न्यूट्रिशन के नाम पर, और मैं तो देखता हूं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के यहां भोजन के लिए चले जाइए, उसके डाइनिंग टेबल पे भांति भांति की चीजें पैकेट पड़े होते हैं विदेशों से आए हुए, और वो पैकेज फूड का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं, जबकि हमारे देश, और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रिच है खाना शुरू, आयरन रिच है खाना, कोई इंक्वायरी नहीं करता, बस लिखा है हो गया, और मेड इन फलाना देश है बस मारो थप्पा। अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूड है जो कहीं अधिक न्यूट्रिशियस है। हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए। यही उत्तराखंड में ही ऐसे आयुष है जुड़े ऑर्गेनिक फल सब्जियां जुड़े उत्पादों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। एक किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। पैकेज फूड के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को, हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मैं समझता हूं कि आप सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।